आज का विषय है स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब। कौन से भारत का स्वाधीनता आंदोलन? ये 15 अगस्त 1947 वाले भारत का या 14 अगस्त वाले का, पाकिस्तान बांग्लादेश या 1922 वाले अफगानिस्तान का, या 1850 वाले पांचों स्थान कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, या 15 अगस्त 1947 से अक्टूबर या नवंबर 1949 तक भारत के अंग रहे सिक्किम का या तिब्बत से टैक्स इंडियन ट्रेजरी में जमा होता रहा है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू पोस्ट 15 अगस्त 1947। तो मैं विमर्श कर रही हूं भारत राष्ट्र की, मैं बिल्कुल विमर्श नहीं कर रही हूं भारतीय राज्य के जो नेहरू गांधी के अंग्रेजों के साथ दुराभिसंध के द्वारा 15 अगस्त को आया, जिस भारत राष्ट्र की छाती पर एनिमी स्टेट बना दिए गए। किंतु तब मतलब 20वीं शताब्दी 1901 से 1945 या 1945 से लेकर 1989 में वो गॉर्बाचॉफ वाला सब होता है, कोल्ड वॉर की समाप्ति, और 90 से चर्चा होती है भारत सुपर पावर हो रहा है। चर्चा कहाँ हो रही है? जो मेरा परिचय दिया गया IMF और वर्ल्ड बैंक में। इतिहास तो मेरा विषय नहीं था, अर्थशास्त्र मेरा विषय है। और तब मैंने 1993-94-95 में पूजनी सुदर्शन जी से मैंने कहा, अरे कब तक रोइएगा आप लोग, IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप सुपर पावर हो रहे हैं, तो जरा उदीयमान भारत की चर्चा हो। तो तीसरा जो बात है जो मुकेश जी ने जोड़ा, अमृतकाल। इस अमृतकाल का केंद्रीय पुरुष है नायक मेरा नरेंद्र, हम सब का नरेंद्र, भारत का नरेंद्र। एक हम लोग पिछली बार 5 दिन का कॉन्फ्रेंस चलाए थे जम्बू टॉप पर, पुनश्च जम्बू द्वीप कब मिटेगी गोरों की खींची लाइन, और अभी कल हमारा समाप्त होगा अमृतकाल में जम्बू द्वीप। उसमें मेरा एक भाषण है, मेरा निवेदन है, आप लोग सुने। भारत के नरेंद्र होने का अर्थ, भारत के नरेंद्र होने का अर्थ है 2014 में जो गुजरात का मुख्यमंत्री है, 2015, 2016, 2017, ये जो 5 साल हैं, कोई बराक ओबामा, उसके बाद कोई ट्रंप, अब कोई जो बिडेन, कोई पुतिन, वो G2, G4, G5, G6 वाले, इनके पीठ पर हाथ ठोकता है मेरा नरेंद्र, भारत का नरेंद्र। क्यों? क्योंकि भारत के इस नरेंद्र को ज्ञात है भारत राष्ट्र, क्योंकि भारत का ये नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो प्रार्थना गाते हैं जो प्रातः 7 बजे होती है, जिसमें भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का स्मरण है। बाकी तो रो ही रहे हैं जी, अध्यात्म का देश है, अरे धर्म का देश बोलने में जीभ टेढ़ी हो रही है। अध्यात्म तो 4 पुरुषार्थ नहीं है, न राजा के न सन्यासी के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मेरे इस नरेंद्र को पता है भारत राष्ट्र ये है, मेरे इस नरेंद्र को पता है कि ये जो पुतिन है, जो बिडेन है, ये जो ट्रंप है, ये अननेचुरल आर्टिफिशियल
इन लीगल स्टेट्स के हेड ऑफ स्टेट्स हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद वाला जो छोटा सा भारत राज्य है, राष्ट्र का विखंडन असंभव है, विभाजन असंभव है, राष्ट्र चिन्मय इकाई है, राज्य का स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग होता रहता है। तो इस नरेंद्र को ज्ञात है कि ये जो 15 अगस्त 1947 वाला भारत है, इससे क्षेत्रफल में जो 6 बड़े हैं, कौन कौन, उधर से चलिए कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील 3, ऑस्ट्रेलिया 4, सोवियत रूस और चाइना, ये 6 तो कल के अपस्टार्ट्स है ना। और ये जो कुछ कह रही हूँ सब साक्ष्य लेके आई हूँ, कहाँ के, वही हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, देयरफॉर इल्लीगल एंड देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट्स हैं। इसलिए मेरा नरेंद्र ऐसे बात करता है। दो चार पांच बातें, अन्यथा विश्वास नहीं होगा। जहां तक मुझे ध्यान है, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, रॉबर्ट कैपलान, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे लिए, आज के विमर्श के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, अमेरिकन है, अमेरिका का विदेश विभाग का है, और यूरो अमेरिकी लेखन एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा होता है। यानी जो मैं पढ़ रही हूं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो, यूरोप और अमेरिका का एजेंडा है। ये कहता है चैप्टर 12 पृष्ठ संख्या 228, एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना बिकम ग्रेट पावर राइवल्स, डायरेक्शन इन विच इंडिया टिल्ट्स कुड डिटरमिन द कोर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन यूरेशिया इन द 21st सेंचुरी, इंडिया इन अदर वर्ड्स लूम्स एज द अल्टीमेट पिवट स्टेट। ये बहस भारत के सार्वजनिक विमर्श से अनुपस्थित है, और 12 साल पुरानी किताब। आगे वाला, जब मैंने स्वामी रामदेव जी को सुनाया तो उन्होंने कहा, बहन बिना किताब लिए बोलना मत, नोबडी विल ट्रस्ट यू। पृष्ठ संख्या 236, वही अध्याय 12, द कुषाण एम्पायर, महाराज कनिष्क, उनका कुषाण एम्पायर, द कुषाण एम्पायर एमर्ज्ड इन द 1st century AD इन बैक्ट्रिया वेयर नॉर्दर्न अफगानिस्तान मीट्स ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इट्स इंडो यूरोपियन रूलर्स कॉन्कर्ड टेरिटरी फ्रॉम द फरगना वैली इन द डेमोग्राफिक हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया टू बिहार इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। द वेरी मैप ऑफ कुषाण डोमेन इज माइंड बॉगलिंग। 2010-11 रॉबर्ट कैपलन, मेरी तरह कोई लेखक नहीं, घर में बैठ के जो मन में आ रहा लिख रहे हैं, प्राइवेट छपवा ले रहे। ये पब्लिकेशन मतलब गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट का उस पर प्रत्यक्ष सपोर्ट है। द वेरी मैप ऑफ कुषाण डोमेन इज माइंड बॉगलिंग टू आवर मॉडर्न सेंसिबिलिटीज, ओवरलैपिंग एज इट डज फॉर्मर सोवियत सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अमृतकाल, मेरा नरेंद्र, सोवियत सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड मच ऑफ द नॉर्दर्न इंडियाज गैंगेटिक प्लेन। यही पर रुकता नहीं है रॉबर्ट, कहता है इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंगल लेसन इन द फैक्ट दैट करेंट बॉर्डर्स 20वीं शताब्दी में खींची गई आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इल्लीगल लाइन्स। इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंगल लेसन इन द फैक्ट दैट करेंट बॉर्डर्स मे नॉट नेसेसरली इंडिकेट द लास्ट वर्ड इन द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
सेंट्रल एंड साउथ एशिया। हम लोग साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये जो 15 अगस्त 1947 की लाइनें हैं, दे आर गोइंग टू मेल्ट। तब और अब, ये अब की बात है, ये अमृत काल की बात है, जब किसी देश का प्रधानमंत्री, वो भी 15 अगस्त के बाद भी, दुनिया के सबसे बड़े स्वाभाविक राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट का नरेंद्र जब बोलता है, ये मनमोहन सिंह, राहुल, इनका तो नाम नहीं आना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के मुंह पर। दुनिया के लार्जेस्ट, एक क्षेत्र में 100 क्षेत्र में, और मक्खी मच्छर भुनगे तो हर समाज में सदा रहेंगे भाई, कब तक उनको आप लोग रेफर करोगे? रेफर करना है तो रेफर करो गुरु गोलवलकर को। वो जो विचार नवनीत है उसमें भारत का जो वर्णन है, वो वर्णन वही है जो अभी यूरोप और अमेरिका कर रहा है। तो जब ये 15 अगस्त को कहते हैं अमृत काल, तो इसके बहुत गहरे कनोटेशंस होते हैं। और ये गहरे कनोटेशंस क्या है? 21वीं शताब्दी की भू राजनीति, तब 20वीं शताब्दी 1947 में पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान तो याद ही नहीं आ रहा है, रो रो के आंसू बहा रहे हैं कि साहब कोई विदेशी आए थे जी, हमको लूट के ले गए। लाए हैं अभी, वो भी दिखा रहे हैं दो दो मिनट एक व्यवस्थित ढंग से। अरे अफगानिस्तान तुम्हारा है भाई। और ये आगे कह रहा है, ये नहीं पढ़ के सुना रहे हैं, साउथ ब्लॉक वाले जो भारत के ब्यूरोक्रेट हैं, ये अफगानिस्तान को भूले नहीं है, ये अफगानिस्तान तुम्हारा है। नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं यही समय है, सही समय है, तो ये 21वीं शताब्दी के भू राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी के भू राजनीति में केवल भारत राष्ट्र में नए नए देश नहीं पैदा किए गए, जो अनिल सौमित्र कहते हैं एक पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है, एक हमारे यहाँ माता जी भी हैं जो बांग्लादेश बनाई है। ये बहुत गहरे इकोइंग वाले वाक्य हैं। अरे ये लेबनान, ये जॉर्डन, दोनों ओमान, दो यमन, ये सऊदी अरेबिया, ये ईरान, ये इराक, ये टर्की, ये देश कभी थे क्या? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भी ये देश थे क्या? पूरे साउथ अमेरिका में जो देश है कभी सुना था क्या? अफ्रीका के देश, ये आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल इलीगल नेशन स्टेट है। इस पर बाकी किताबें मैंने लाई, यही रॉबर्ट कापलन इस पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक लिखता है एशियाज कॉल्ड्रॉन, और उसके शुरुआत में याद करता है चंपा में भगवान शिव को, वो याद करता है चोल एम्पायर को, प्रीफेस में वो याद करता है लास्य से भरी हुई नर्तकियों को, चंपा, बोलो तो चंपा कहाँ है? वियतनाम, वियतनाम से नहीं याद करता है, चंपा कहकर याद करता है, वो गजसिंह को याद करता है, वो विष्णु को याद करता है, ब्रह्मा को, यक्ष को याद करता है, और कहता है, ये प्रोलॉग है द रूइंस ऑफ चंपा, इसका रोमन में पृष्ठ संख्या 19 और 20 से मैं पढ़ रही हूँ। विदाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन अदर वर्ड्स, देयर कुड नॉट हैव बीन अ वियतनाम इन एनी कल्चरल और एस्थेटिक सेंस। और संघ वाले क्या कह रहे हैं? भारत का सांस्कृतिक विस्तार, अरे भारत का पॉलिटिकल विस्तार कहाँ है भाई? भुला गए रामायण और महाभारत, दो ही देख लो भाई। लेटेस्ट है महाभारत, 5000 साल पुराना नहीं देखना है, वो कुछ गप वप है। अशोक, अशोक को देख लो, विक्रमादित्य महाराज को देख लो, उनको भी नहीं देखेंगे साहब। चोलों को तो देख लो, एडी वाले चोल हैं,
ये चोलों को याद कर रहा है और करके क्या कह रहा है, ये कह रहा है 22 पर भारत के लिए डोमिनेंट फूटिंग विद इंडिया एंड अदर पावर्स एंड सिविलाइजेशन, ये आगे आगे काम सब छोड़ दिए हैं, ये कह रहा है ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक भारत है, ये कह रहा है कि मैं इंडो पैसिफिक के वर्णन में चंपा और भारत को इसलिए याद कर रहा हूं, भारत यहाँ तक है। एक और किताब लाना हड़बड़ में भूल गई, उसका नाम है द मानसून, उसमें कह रहा है, कब छपा है ये सब, दो इसके बाद की किताबें हैं यानी पिछले 10 साल में, यानी उसमें कह रहा है रेड सी से लेकर ये यहाँ पैसिफिक तक भारत है। यानी मोदी जी है तो अब वाला 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का लीडर आ गया है। अगर ना भी होते ये अमेरिकी, ये यूरोपियन यूनियन, ये इजराइल, ये जापान और ये रूस, मनमोहन होते या सोनिया होते, इनको कूट पीट के याद दिलाते हैं। ये दोनों किताबें जो छपी हैं, तब भाजपा के पावर में आने का कोई उम्मीद नहीं था। भाजपा पावर में आई है, उसमें मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबकी राय बात से नहीं, दत्तोपन ठेंगड़ी जी जैसे साक्षात पौरुष के कारण। तो क्या हम स्मरण करेंगे, क्या हम में से 8 या 10 उन बातों को पढ़ेंगे जो यूरोप अमेरिका में थोक का थोक छप रहा है। इस एक किताब की बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो 100 किताब मिलेगी, अरे 2-4-10 तो पढ़ लो। भारत कुछ गुलाम गुलाम वाला चक्कर है। ये है ऑक्सफोर्ड इंडिया का ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, 18th सेंचुरी इन इंडियन हिस्ट्री, एडिटेड बाय पीजे मार्शल, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड वाले, जिनके कई लोग अपने को गुलाम गुलाम मानते हैं और कहते हैं जी हजारों साल से गुलाम है। मैंने एक किताब छाप दी तब से अब आ गया है, नहीं नहीं हजारों साल से नहीं, 600 साल से। फिर कुछ लोग और आ गए हैं जी गुलाम गुलाम नहीं है, हम लोग तो संघर्षरत समाज है। लेकिन ये 600 साल कौन सा है, कम से कम लोधी वोधी को तो गिन लो, मुगल तो निश्चित है ना केडिया जी। लो भैया ऑक्सफोर्ड वही इंग्लैंड, वही का एजेंडा बेस्ड प्रोपोगंडा, जल्दी जल्दी चल रही हूं, 2-3 निशान लगाया था सब छोड़ दे रही हूं, केवल एक पढ़ दे रही हूं। इफ द एक्सरसाइज पेज नंबर 5, इफ द एक्सरसाइज ऑफ मुगल अथॉरिटी हैड नेवर कॉन्स्टिट्यूटेड अ यूनिफॉर्म सिस्टम इवन इन द 17th सेंचुरी, 18वीं में तो है ही नहीं, 18वीं में तो मराठाज है, बाजीराव पेशवा है, मेरे को सबका नाम नहीं आता है, उम्र के कारण भूलती भी ज्यादा हूं, लेकिन क्या कह रहा है 17th सेंचुरी मतलब जहांगीर, नाम क्या है सलीम, बुलाओगे काहे शाहजी जहांगीर भाई, बुलाओ जलालुद्दीन सलीम खुर्रम, लेकिन नहीं मन है, तो जहांगीर शाहजहां औरंगजेब के समय में भी 0/0 है। कुसुम लता कहेगी, रामेश्वर मिश्र पंकज कहेंगे, कठिनाई होगी। पीजे मार्शल ये आगे कह रहा है, ये सब किताब इसलिए दिखा रहे हैं, रिसर्चर से मुझे कहा था आपने कि ऐसा बताइएगा जिससे आगे काम हो सके। ये कह रहा है जी ईस्ट इंडिया कंपनी वो कर रही थी जो भारत वाले कह रहे थे। पेज नंबर नहीं पढ़ रही हूँ, छोड़ती जा। अब साहब वो एक कोई महमूद था गजनी का, वो आया था आक्रमण किया था, बड़ा सोना वोना लूट के ले गया, फिर घूर से भी कोई आया था वो भी लूट लूट के ले गया, भारत तो जी सोने की चिड़िया थी, सब लूट ले गए।
आप सब लोग सुने, हम भी सुने, वो अलेक्जेंडर लूट के ले गया था क्या, कि वो जलालुद्दीन, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब कहां गए, साले हज करने तक नहीं गए थे, और आप उनको मियां कहते हो। अरे कहो तुम मुनाफिक हो। इस्लाम में कहा है ना, इफ यू आर फाइनेंशियली एंड फिजिकली कैपेबल, इट इज ऑल यू टू डू हज। पांचों नहीं गए, एक को लोदी नहीं गया, एक को वो बलबन और तुगलक और कौन कौन से है, ये कहां गए सोना लेके आपका। 1757 से 1760 बैटल ऑफ प्लासी, केवल 3 साल भारत से बाहर सोना गया, बहुत सोना गया। कितना सोना गया, इंग्लैंड का टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल हो गया, यूरोप पगला गया, यूरोप का सब गड़बड़ा गया, भारत का कितना गया जी। हमारे यहां चोर आया, बड़ा लूटपाट के ले गया, कितना ले गया जी। बैटल ऑफ प्लासी क्या है, जब वो आता है मीर जाफर, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बख्शीश देता है, अच्छा काम किया, 100-200 रुपया ले जाओ, तो बख्शीश देता है, पूरे बंगाल का नहीं, बंगाल के 3 जिले का टैक्स कलेक्शन, सब टैक्स का कलेक्शन नहीं, लैंड रेवेन्यू, लगान। और ये नहीं कहा कि लगान लेके भाग जाओ, कहा लगान लेके जमा कर देना, बीच वाला तेरा बख्शीश हुआ। ये है रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का मीर जाफर की नजर में। तो वो क्लाइव लाइव वो सोना भर के ले गए। अरे डोंगी का साइज तो पता है ना, उसको डोंगी कहोगे, नाव कहोगे कि जहाज कहोगे। 1757 में से 1760 जो गया, 1757 के पहले पाव भर सोना भारत के राजनैतिक सीमाओं के बाहर नहीं गया, गया तो बताओ। तो ये जो सोने की चिड़िया लूटने गए, तो कोई आएगा ले जाएगा ना, नहीं आया। इंदिरा गांधी की तरह जयपुर का खजाना खोला खाला ले गया, यही था, ले गया कहीं स्विस बैंक में धरी आया। अरे उसका नाम गाम कुछ पता होगा। और 1760 के बाद भारत इंग्लैंड से नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन है, नहीं है, अब किताब नहीं खोल रहे हैं, दिखा दे रहे। ओईसीडी का पब्लिकेशन, ओईसीडी क्या है, ओईसीडी है जब अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल प्लान दिया, तो मार्शल प्लान में जो फंड दिया उसकी हैंडलिंग के लिए ओईसीडी, 20 साल पहले स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, 19th सेंचुरी तक इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओ जी भारत को पता नहीं कब है लोग कंगाल कर रहे हैं। महमूद वाले के लिए, गजनी से कोई महमूद आया, ये भैया ही रोमिला था पर, और ये मोहम्मद नाजिम 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी थीसिस जमा किए, कह रहे हैं दोनों इनको नहीं हो मानो, रोमिला थापर को तो मानी लो भाई। अगर बाई चांस राहुल गांधी कोई नशे में कह दे मोदी जी महान, तो उस टुकड़े को तो उठा लो भाई, ये बिना नशे के लिख रही है। ये 1992 के अयोध्या वो जो मामला हुआ उसके बाद ये किताब लिख रही है। ये कहती है गजनी वाले महमूद का एक सिंगल कंटेम्पररी सोर्स नहीं है, और नेशनल बुक ट्रस्ट और संपूर्ण भारतवासी कहेंगे जी अलबरूनी लिख गया था, अलबरूनी है कंटेम्पररी सोर्स, आया था उसके साथ, और वो एक ठो आचार्य चतुर सेन है वो लिख गए जय सोमनाथ। किताब किसी के घर हो नहीं तो रेलवे से खरीद लीजिए, पीछे का पन्ना पढ़िए, वो इतना पाजी है कि जो बात प्रीफेस में कही जानी चाहिए उसको एपिलॉग भी कहता है। ए भाई हमको एक को लाइन नहीं मिला,
महमूद के गजनी के लिए। ये अलबरूनी मैं 3 महीने जाती हूँ पतंजलि योग पीठ में, स्वामी जी ने एक फ्लैट दे रखा है। तो अकेले बैठे बोर हो रही थी, इसकी प्रिंटिंग देखिए, एक कोई 20-30 पन्ना ऐसे ही पढ़ी सब मेरे निशान के साथ। करीब 40-45 पन्ने में गजना वाले महमूद का जिक्र नहीं। तो मुझे लगा ये तो केंद्रीय थीम होना चाहिए। आंख पर चश्मा लगा के इतनी बारीक प्रिंटिंग का एक एक लाइन पढ़ गई मैं, कहीं तो होगा एक लाइन संदर्भ नहीं है। मैंने सोमनाथ विध्वंस भूल जाइए, वो भारत आया, कोई आक्रमण किया, कोई लड़ाई किया, यहाँ उसके साथ तो आया है। और ये किताब किस बारे में है? एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो विष्णु पुराण, तो भागवत पुराण, तो ये पुराण जिसका ABCD मेरे लिए नहीं है, जैसे कोई डंडा मार के हमको केमिस्ट्री के क्लास में बैठा दे, वैसे मैंने पढ़ा है। और यही कह रही है रोमिला थापर कि 3 जगह सोमनाथ का इसमें जिक्र है। एक जगह जिक्र है कि ये तो अलमनाथ है। अब आप लोग नहीं जानेंगे, अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह के साथ 3 देवियां, अल्लाह अपने महादेव है, अलमनात, अलुजा, अल्लाट। तो कह रहे हैं जो नाथ है ये लाट है, उसका उसमें जिक्र है। बहुत मजेदार हास्यास्पद है। तो ये कथा शुरू कैसे हुई, कृपा करके इसको पढ़ लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। दिक्कत क्या है, और ये काम कोई रशियन नहीं करेगा, ये भारत का काम भारत वाले करेंगे। मैं बार बार दत्तोपन ठेंडी जी को याद कर रही हूँ, पौरुष का काम, लेबर यूनियन, किसान यूनियन, ये कम्युनिस्ट मानते थे हमारा टर्फ है, ठेंगड़ी जी ने लार्जेस्ट बना के धर दिया, भारत का लार्जेस्ट नहीं, दुनिया का लार्जेस्ट। और किस समय बनाया, उनको तो गए 10-1 साल हो गया है ठेंगड़ी जी को, और उसको लार्जेस्ट हुए 20-25 साल हो गया है। वो उस समय बनाया जब उनका दबदबा और बोलबाला था, किनका, कम्युनिस्टों का, जिनका टर्फ था। तो हम लोग केवल यही देख लें कि भाई जिसको कह रहे हो आया लूटा लाटा, उसका कंटेम्पररी सोर्स क्या है? इतिहास के लिए कंटेम्पररी सोर्स बिना काम कर सकते हो क्या? अब सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, फॉरेन डेविल्स ऑन द सिल्क रोड। इस किताब की खासियत ये है, मोटे मोटे किताब में आदमी भटक जाता है, छोटी सी किताब में सब डिटेल है। ये कह रहा है 19th century के अंत में, 19th कब हुआ, 1801 से 1899, हम वो पन्ना खोज नहीं पाए, हमको जो याद आ रहा है वो 1890 याद आ रहा है, गलत हो सकता है 1886 कर लीजिए। पहला अंग्रेज इस इलाके में जाता है, क्यों जाता है, एक खूनी को पकड़ने के लिए जा रहा है, टहलते टहलते वहां तक पहुंच गया, वहां बाई चांस एक किताब मिल गई, ले आया, पढ़वाया, किससे, अंग्रेज नहीं पढ़ेगा, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि पंडित जी पढ़ेंगे। तो पंडित जी से पढ़वाया तो निकला कि ये संस्कृत की किताब है, यानी कि लेट 19th century तक सेंट्रल एशिया में एक यूरोपियन नहीं गया है। और सेंट्रल एशिया कोई देश था तो हमको बताइएगा, हम बहुत खोजे हैं, हमको नहीं मिला। महाकाल, यही महाकाल नेपाल में काठमांडू में हनुमान ढोका मतलब राजा के महल के आगे है, पुस्तक कुबलाई खान। ये कुबलाई खान चंगेज खान इनके पोते पोतियों के कुल देवता हैं। तो चंगेज खान कौन है, सनातन धर्मी सम्राट। इस चंगेज खान, इस सनातन धर्मी सम्राट ने कहां तक राज्य किया है, यूरोप से लेकर कैस्पियन से लेकर पैसिफिक तक। तो वो सब कह रहे हैं जी बौद्ध है, बाकी तो कह रहे हैं जी मुसलमान है, पांचाल ने भी छापा था, चंगेज खान मुसलमान है।
अभी तो वही सब छाप रहे हैं और ऐसे इतनी किताबें हैं। मैंने एक भाषण करवाया था यहीं पर विश्व संवाद केंद्र में, पश्चिमोत्तर में भारत की व्याप्ति, यही पांचों स्थान, यूक्रेन भी, आधा ईरान भी, ना ना पूरा ईरान, पूरा ईरान मतलब इराक भी, सीरिया भी, जॉर्डन भी, लेबनान भी, मेडिटेरियन तक, और ये पूरा तारिम बेसिन, ये पूरा टकला मकान डेजर्ट, ये सिक्योंग, इसमें 1950 के बाद दुनिया भर के एक्सकवेशंस में एक लाइन चाइनीज मंदारिन भाषा और लिपि ना मिली है। कहाँ मिली है? ब्राह्मी, संस्कृति, संस्कृत, पाली, और क्या मिले हैं? नटराज शिव, बहुत प्रकार के शिव, शेषशायी विष्णु, अष्टभुजा दुर्गा, गणेश, हनुमान, राम, कृष्ण, ये दो किताब जो हाथ लगा। और इस पर सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो संघियों ने, जो चुपचाप बोल दिया, पता भी नहीं होगा। आज से 52 साल पहले ये पुस्तक संघ के, अब उनका मुझे डेजिग्नेशन नहीं पता, प्रचारक बोलते हैं मेरी बुद्धि में, एक नाथ राणा डी जी, 1970 में यह छप चुकी है। इसका नाम है इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट एंड कल्चर, और इसके लेखक जो है वो मियां से लेके चीनी तक है। तो जरा इसको देख लो, स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब, ये क्षेत्र आपको थमाया जाएगा, बस जगदम्बा की कृपा ये है, थमाया, अब हमको कोई थमाएगा नहीं, हमारा नरेंद्र थामेगा। जब मंगोलिया में गए हैं तो सफेद घोड़ा दिया गया है, इंडियन मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं हुई, और नादम समारोह हुआ तो टीवी पर आ रहा था अंग्रेजी में NADAM और हिंदी में नदाम, हम लगे नदाम 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 का क्या अर्थ होगा, पंकज जी से पूछे, पंकज जी बोले कहाँ लिखा है, रामेश्वर मिश्र पंकज जी बोले अरे वो नादम है। सफेद घोड़ा मंगोलिया देता है चक्रवर्ती सम्राट को। भाई सार्वजनिक विमर्श में आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं सोनिया का बेटा बोलेगा, जिसका DNA नहीं दिया गया DNA जांच के लिए। जब राजीव गांधी मरे थे तो राहुल का वो क्या सैंपल वैंपल जाता है ना, वो नहीं दिया गया था। आप क्यों उम्मीद करते हैं मनमोहन सिंह बोलेंगे? ये आपका काम है, ये मेरा काम है, ये हर देशभक्त का काम है। अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने डॉक्टर हेडगेवार 31 साल की उम्र रही होगी, 32-34 होगी जब कांग्रेस से निकले 1925 में, कुछ लड़कों को कबड्डी खिलाई, क्यों? उनको दिख गया कि अब जो झंझट आ रहा है तो हिंदू स्त्री, हिंदू धन और हिंदू जीवन, हिंदू संपत्ति और हिंदू जीवन सुरक्षित नहीं है। तो आप लोगों ने तो बहुत पहले ही, आप लोगों ने क्यों, मैंने, मेरे बाबूजी भी बाल स्वयं सेवक है और मुझे केशव सृष्टि जाती थी दिल्ली में केशव कुंज, तो वहाँ कहते थे, जोशी जी कहते थे, कई बार याद नहीं आ रहा है, कि ये भी वॉलेंट्री स्वयं सेवक है। तो 20-30 साल में या 47 में इतना बड़ा संघ हो गया 1925 से 1947, 22 साल में, कि सरदार पटेल और नेहरू को इसको बैन करना पड़ा था। गांधी जी के हत्या का आरोप तो झूठा लगा था ना, एक भी FIR नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है, 3 बार बैन करना पड़ा। और केवल संघ अकेला तो नहीं है, इसमें तो लोग बताते हैं 5,000 से भी कम प्रचारक हैं।
इसके 101 संगठन है सेवा भारती, तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं नाम क्या बताऊं, जो दुनिया के लार्जेस्ट है। तो ये इतिहास लिखना कौन बड़ा भारी बात है भैया, कुल लिख के धरा हुआ है, झंझट है। वो कम्युनिस्टों ने झूठ लिखा, उस झूठ लिखने का महत्व है कि राज्य के द्वारा स्कूल में उसको चैलेंज करवा देने का महत्व है। लिखा हुआ का कमी है, स्कूल कॉलेज में चालू करवाने की देरी है। तो मेरे नरेंद्र का कोई विचार होगा, मुझे नहीं लगता अभी 10-11 साल तक ये सब स्कूल कॉलेज में आएगा, कोई बात होगा मुझे नहीं पता। लेकिन जो इतनी बातें मैंने कही उसको सार करके, अभी 5 मिनट और है, इन किताबों को जरा मैं दिखाऊंगी, 5-7 मिनट लूंगी। ये जो स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श है, 15 अगस्त 1947 को या 14 अगस्त या जुलाई में नेहरू और गांधी ने भी स्वीकार नहीं किया था, कांग्रेस के नेताओं ने भी स्वीकार नहीं किया था, कहा था कि बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो हमको गौरव की खींची लाइन क्यों स्वीकार है भाई? हम कोई महाराणा प्रताप वाले हैं, हम शिवाजी महाराज वाले हैं, और महिलाएं तो कुल दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी वाली हैं। तो भारत का ये अब काम कोई रूसी करेगा कि कोई जापानी करेगा, कोई मियां करेगा, कोई कम्युनिस्ट करेगा, किससे अपेक्षा? हमको करके लिख पढ़ के धर देना है। मैं अपनी एक किताब लाई हूँ बिक्री पर, भारत कभी पराधीन नहीं, और एक पुस्तक और है, अभी 2-3 चीज इसमें, एक किसी में वो ब्रिटिश पीरियड ज्यादा है, और ये तो यही से छपी है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से, एक में मुस्लिम पक्ष विस्तार से। तो भारत का टकराव होना है इस विस्तार के लिए, ये होना है क्या कहते हैं चीन से, क्या कहते हैं विस्तारवादी चीन से। आपने कभी सुना बेचारा चीन, बेचारा हमारा पद दलित गुलाम चीन, सुना आपने? नहीं सुना। तो इसके लिए चीनी नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए हम ही जिम्मेदार है। और मैंने अकेले अपने ऊपर ठेका ले रखा है कि मैं सब बदल दूंगी, कारण मेरा सब काम कर गए हैं ये नेशनल ज्योग्राफिक एटलस ऑफ चाइना, ये रहा चाइना लाल वाला, क्या है वो खुद लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कोर चाइना, क्राइडल चाइना। आज भी वो अपने को चाइना नहीं कहता है, वो अपने को क्या कहता है, जुआंगुआ, सेंट्रल किंगडम, मिडिल किंगडम, राम जाने किसका सेंट्रल है किसका मिडिल है, कोने में पड़ा हुआ है। 2 महत्वपूर्ण पुस्तक मैं नहीं ला पाई हूं, दिल्ली चली गई है, मैंने मेरे ये सब भाषण ऑनलाइन यूट्यूब पर है, वेन सॉन्ग और फाहियान, वेन सॉन्ग और फाहियान की ये दोनों किताबें 1949 के बाद इसी कम्युनिस्ट सरकार ने छापी है, और वो बता रहे हैं चीन की बाउंड्री 5वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में छगन चगन, CHAGAN, सगन चगन जो उसका नाम है, वहां और लुयांग वहां। हिस्ट्री का एक वॉल्यूम है, 15 वॉल्यूम का एक वॉल्यूम, मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं पढ़ने के लिए 3 हिस्से में बांट ली हूँ। इसका टाइटल क्या है, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ चाइना एलियन रिजीम्स एंड बॉर्डर स्टेट्स। कैम्ब्रिज छाप रहा है, हार्वर्ड छाप रहा है, ऑक्सफोर्ड छाप रहा है, चीन जार जार आंसू बहा रहा है, का बहा रहा है कि उत्तर से सब चले आते हैं, हम लोग को गुलाम बना देते हैं। ग्रेट वॉल, और वॉल तो आप लोगों ने सुना होगा, अभी चंडीगढ़ में इंद्रेश जी का जो अद्भुत भाषण हुआ है घंटे सवा घंटे का, उस पर 1 घंटे का भाषण मैं दूंगी, जो डिटेल उन्होंने दिया है। तो ये दे रहा है समय 907 से 1368, तो करीब 450 साल। चीन का कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास
जो लेखन है उसके अनुसार 2300 साल का कुल मामला है। इनका पहला एम्परर टेराकोटा आर्मी वाला 326 BC 400 मान लो और 2000 ये, इसमें 1800 साल ये गुलाम है उत्तरी लोगों के। किसके किसके? मंचूरिया के ये गुलाम है, मंगोलिया के ये गुलाम है। किसके? मंगोलिया, यही कुबलाई खान, यही चंगेज खान। ये गुलाम है तुर्कों के, शकों के, तुरुस्कों के, तिब्बतियों के और सिक्योन के, उइगरों के। उइगर तो ब्राह्मण लोग है ना भाई, नहीं पता। उइगर ब्राह्मण है भाई, स्टेट क्राफ्ट का एक्सपर्ट। तो इनके ये गुलाम है और 8-10 नाम है, वी है, सुई है, उन है, मुन है। मेरे लिए उच्चारण करना, याद करना बहुत कठिन है। तो आपने कभी सुना चीन गुलाम है, इंग्लैंड गुलाम है, फ्रांस गुलाम है, अमेरिका तो आज गुलाम है गोरों का। क्या आपने कभी सुना कम्युनिस्ट कॉलोनियलिज्म, कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म, कम्युनिस्ट प्रिजन ऑफ नेशंस? अमेरिका ये जेरोक्स कॉपी है, मुझे रविशंकर जी ने करा के दिया। चाइना जियोग्राफी कह रहा है कि भी 2011-12 में छपी है, मतलब सब 2010 के बाद की किताबें। क्या कह रहा है? दिस इज अ कम्युनिस्ट प्रिजन ऑफ नेशंस। मैंने भाषण की शुरुआत क्या की थी? आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल, देयरफॉर ट्रांजिटरी, नेशन स्टेट, सोवियत रशिया, रूसी एंड नॉन रूसी, 1989 गॉर्बाचोव, पोस्ट गॉर्बाचोव, 14, 16, 18 निकल गए ये। इसको चीन कहना तो चीन के साथ निर्ममता करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ने जितना चीन का नाश किया, ये प्रॉब्लम है कि अग्रेसर को अग्रेसर नहीं कहते हो, विक्टिम को अग्रेसर कहते हो। यूरोप को अग्रेसर कहते हो और पोप के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वागत कर रहे हैं। अग्रेसर चर्च ने किया कि यूरोप ने किया? तो अग्रेसर कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है ना। 1949 के बाद माओ को पावर दिलाने वाला मूरख रूजवेल्ट, मूरख ट्रूमैन, अमेरिका का 2 प्रेसिडेंट, तीसरा उसका मिलिट्री हेड मार्शल की क्या नाम है, चांग काई शेक को जबरदस्ती भगवा दिया। माओ इज नॉट सो कम्युनिस्ट। ये सब हम किताब नहीं उठा रहे हैं, किताब यहीं पर है। नॉट सो कम्युनिस्ट, ही इज क्लोज टू अस, ही वॉन्ट्स टू बी अ डेमोक्रेट, ही हैज प्रॉब्लम विद स्टालिन। मेरे 2 भाषण है स्टालिन और माओ पर यूट्यूब पर। तो चांग काई शेक को भगाओ, माओ को टेक ओवर कराओ। ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म 5-7 लोगों ने देखा होगा, जिनको थोड़ा बहुत भी चीन समझने का मन है, इसको देख लो भाई। एक दिन में 5 लाख, एक दिन में 10 लाख। अकेले माओ ने, अब देखिए मेरा 70 साल उम्र है, भूल भाल जाती हूं, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 1 करोड़ मतलब 100 लाख, 2 करोड़ मतलब 200 लाख, 500 लाख, 700 लाख लोगों को, और केवल कटवा देता तो अच्छा था, गोली मार देता तो अच्छा था, स्टार्वेशन से मारा। फेमीन और स्टार्वेशन क्या होता है इसको जानना है, यूरोप को पढ़िए। तो जिस प्रकार सोवियत रूस के लिए कहते हैं डायनासोर की आखिरी हिचकी 89, कल मैंने एक भाषण दिया है कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म का विघटन,
जम्बू टॉक्स पे, पुनश्च जम्बू द्वीप में, तो मैंने कहा 1917 में वो शुरू होके 1989 70 साल से 72 साल, इसका 1949 से मैंने 1925 कहा, ये 23 भी हो सकता है, ये 26 भी हो सकता है, ये 28 भी हो सकता है, लेकिन मुक्ति हो रही है किसकी? तिब्बत की, उइगर सिक्योंग की, मंगोलिया की, मंचूरिया की, चीनियों की और हेनान की, और मुक्ति कौन करा रहा है? मेरे भारत का। ये चर्चिल सीक्रेट वॉर, हमको याद था सीक्रेट पेपर्स, इसको देखिए, ये 50 साल बाद ये पेपर आए और मधुश्री मुखर्जी ने इसको पढ़ा और छापा। जिस यूरोप को लेके कई हमारे पास भी चले आते हैं कि साहब मोदी जी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन कर रहे हैं और चीन तो इतना ट्रिलियन हो और यूरोपियन यूनियन इतना है और अमेरिका इतना है, क्या होगा? अरे मूर्खों, ये तो याद रखो 1945 तक इंग्लैंड और फ्रांस को सुपर पावर बता रहे हो ना, 45 में इंग्लैंड और फ्रांस के पास खाने को अनाज नहीं है, भारत से अनाज इकट्ठा करके चर्चिल रख रहा है और अमेरिका डांट रहा है, तो चर्चिल कह रहा है लड़ाई खत्म हो जाएगी तो यही अनाज भेज के यूरोप में पैसा कमाऊंगा, यही चर्चिल कह रहा है वॉर कैबिनेट को, भारतीय सेना की भर्ती बंद करो, दे विल किक अस इन द बैक एंड थ्रो अस इन द इंडियन ओशन, ही शिवरिंग विद द माइट ऑफ इंडियन आर्मी। हमारे पब्लिक डोमेन में है क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 15 लाख, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख भारतीय सैनिक, यानी कि प्राइमरली हिंदू सैनिक, क्यों? टर्की ओटोमन एम्पायर वाला मामला था 1917 में, इराक में ये सब थोड़े से जो गए भाग भूग आए थे, इराक में भारतीय सेना की कॉलोनी बन रही थी, तो ये कह रहा है चर्चिल थर्रा रहा है, ये जो मुस्लिम लीग का दम नहीं था, 46 में जिन्ना के इंटरव्यूज और चिट्ठियां पढ़िए पाकिस्तान को लेके, पता नहीं अंग्रेजों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो छप चुके हैं पढ़िए, नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि जरूरत है स्ट्रेटेजिक लोकेशन की स्टालिन वाले कम्युनिज्म को कंटेन करने की। तो जिस प्रकार सोवियत रूस गया, उसी प्रकार ये कम्युनिस्ट कॉलोनियल चाइना जा रहा है। कल कई दिन बाद टीवी खोला तो देखा कि भारत से दवाई जाने वाली है चीन, तो स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब। और हाँ, दो चीज और जरूर बता दूं, एक मिनट, ये रिवर गंगा बिना ज्योग्राफी पढ़े इतिहास और राजनीति नहीं समझ में आएगी। लेट 19th century में यूरोप में जो गंगा जी की नक्शे बन रहे हैं उसमें वो उत्तर से दक्षिण आ रही है, यहाँ इधर से इधर नहीं जा रही, 19th century। सरस्वती नदी, सबके प्राण सूख गए हैं, ये साथ में इसको मिलाकर इंडिया एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड का पब्लिकेशन, इसमें भी मोटा मोटी यही वाला मामला है, चक्रवर्ती सम्राट को स्मरण कर रहा है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, चक्रवर्ती ने लिखा है लेकिन भीतर भारत का राजनैतिक शास्त्र परंपरा वगैरह चक्रवर्ती राजा का ही याद कर रहा है, दोबारा नरेंद्र का चक्रवर्तित्व चाहिए। एक चीज, दुई लाइन और, ये आप है इसलिए भगवान बुद्ध, पृष्ठ संख्या केवल छोड़िए बाद में बता दूं, यहां पृष्ठ संख्या 53 और 54, एक जगह कोई और है पृष्ठ संख्या, एक और है वो है 65 और 66,
ये विलियम जोन्स कह रहा है बुद्ध भगवान को, अभी सीनियाई है, इथोपियाई है, कब 20वीं शताब्दी में। इसका लेखा लेखन पढ़ के, इतिहास पढ़ के जो रोए उसको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। राहुल सांकृत्यायन पक्का कम्युनिस्ट, अपना नाम बदल दिया, 1949 में किताब छपी सोवियत मध्य एशिया, सब वहां मियां सब बैठे हैं, कम्युनिस्ट गलिया रहा है, स्टालिन की सेवा में गया, कह रहा है सब वही तो है जो भारत में है, बस।